20 जनवरी का जो नोटिफिकेशन आपने जारी किया था, जो ओआरओपी 2 का रिवीजन जो आपने जारी किया है, जिसमें 4 इंस्टॉलमेंट में आपने एरियर पे करने की बात कही है, उसे आप वापस लें। क्योंकि अभी तक 27 फरवरी को जो आदेश दिया था, उसी दिन पीसीडीए ने नया सर्कुलर जारी कर दिया था 667, और उसे 2 दिन बाद ही वेबसाइट से हटा दिया। और इस प्रकार से आज के डेट में 2 दिन से ही वेबसाइट उनकी बंद है, और जो कुछ न कुछ बदलाव के तरीके नज़र आ रहे हैं। वहीं पे ये भी सख्त आदेश दिया कि एमओडी को नमस्कार साथियों, हमारे चैनल सोल्जर्स फैन यानी रियल हीरो में आपका स्वागत है। जय हिंद दोस्तों, आज ओआरओपी के ऊपर सुनवाई थी 13 मार्च को, और ये सुनवाई अभी तक न्यूज़पेपरों में छाई हुई है, और किस प्रकार से न्यूज़पेपरों ने किस प्रकार से इसे प्रकाशित किया है और किस प्रकार से इसको लिया है। वहीं दोस्तों न्यूज़पेपरों में देखते हैं कि द इंडियन एक्सप्रेस लिखते हैं, और यहाँ पे क्या लिखते हैं और किस प्रकार से अपने हेडिंग बनाते हैं। सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन देता है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि विथड्रॉ योर नोटिस ऑन पेमेंट ऑफ ओआरओपी एरियर इन 4 इंस्टॉलमेंट को, जो नोटिस आपने 20 जनवरी को दिया था उसे विथड्रॉ करें। उसी प्रकार द इकोनॉमिक टाइम्स में ये लिखते हैं कि ओआरओपी एरियर्स पेमेंट फर्स्ट विथड्रॉ नोटिस जनवरी 2023। इस प्रकार न्यूज़पेपरों में तरह तरह के प्रकाशित हुई और तरह तरह से आर्टिकल्स आपको देखने को मिलेंगे, और आप उसे देखेंगे, आप उसको देख कर ही पूरा मामला समझ सकते हैं और पूरी जानकारी आप ले सकते हैं। इसी प्रकार के आयते हैं, आइए उसे संक्षेप में समझते हैं और इसको समझने का प्रयास करते हैं आखिर वे किस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या इन मुद्दों पर क्या क्या सरकार के सामने और क्या क्या सरकार के वकील से किस प्रकार। वहीं पे चीफ जस्टिस साहब ने फटकार लगाते हुए सरकार को कहा कि आप जल्द से जल्द एरियर पे करें, और 20 जनवरी का जो नोटिफिकेशन आपने जारी किया था उसको वापस लें। इस प्रकार से देखिए दोस्तों, इस प्रकार से न्यूज़पेपरों में तरह तरह के, यहाँ तक भी 27 फरवरी को भी सुप्रीम कोर्ट ने रक्षा मंत्रालय को फटकार लगाई थी और कहा था कि आपके ऊपर मानहानि का मुकदमा दर्ज किया जाएगा और आप जल्द से जल्द एरियर को पे करें। लेकिन इसके बावजूद भी सरकार अपने रवैये से बाज नहीं आ रही, और आगे फिर चीफ जस्टिस साहब ने किन किन मुद्दों पे बात किया और क्या क्या आया उसके बारे में चलिए विधिवत चर्चा करते हैं और पॉइंट के द्वारा ही उसे देखते हैं। यहीं पे दोस्तों देखा जाए तो फर्स्ट में ही ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जो एमओडी की तरफ से जो एजी साहब खड़े थे, उनको ये सख्त आदेश दिया कि 20 जनवरी का जो नोटिफिकेशन आपने जारी किया था, जो ओआरओपी 2 का रिवीजन जो आपने जारी किया है, जिसमें 4 इंस्टॉलमेंट में आपने एरियर पे करने की बात कही है, उसे आप वापस लें। क्योंकि अभी तक 27 फरवरी को जो आदेश दिया था, उसी दिन पीसीडीए ने नया सर्कुलर जारी कर दिया था 667, और उसे 2 दिन बाद ही वेबसाइट से हटा दिया। और इस प्रकार से आज के डेट में 2 दिन से ही वेबसाइट उनकी बंद है, और जो कुछ न कुछ बदलाव के तरीके नज़र आ रहे हैं। वहीं पे ये भी सख्त आदेश दिया कि एमओडी को कानून को अपने हाथ में न लें और कानून आपको मानना पड़ेगा। जो जजमेंट हो चुका है वन इंस्टॉलमेंट देने का, उसे आप दें और अपने प्लान के बारे में जानकारी दें और अपने प्लान के बारे में बताएं। जबकि ओआरओपी का इंतजार करते करते 4 लाख पेंशनर्स गुजर गए, और ये भी सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में हो गया है कि 4 लाख पेंशनर गुजर गए ओआरओपी का इंतजार करते करते। वहीं पे सीजेआई साहब ने एक बार फिर एजी साहब से पूछा आखिर में आप कब तक भुगतान करेंगे, लेकिन एजी साहब का रवैया वही था। उन्होंने कहा कि 31 मार्च तक मैं कोशिश करूंगा कि भुगतान कर दूं, सबको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दे। और जो इस प्रकार से उन्होंने बताया कि बड़ी कठिनाइयों और बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है गवर्नमेंट को, और वो कोशिश कर रही है कि पेमेंट दे दिया जाए। वहीं पे
एक्स सर्विसमैन मूवमेंट की तरफ से जो वकील साहब थे उन्होंने बोला, उन्होंने जज साहब को इशारा किया कि ऑलरेडी 4 एक्सटेंशन हो चुके हैं और ये फिर अगेन एक्सटेंशन की बात कर रहे हैं, और इस प्रकार से 20 मार्च का 20 मार्च का नेक्स्ट हियरिंग का डेट रख दिया गया यानी मंडे को, और उस समय चीफ जस्टिस साहब ने उनको पूरे अपने प्लान के बारे में बताने को कहा, किस प्रकार से आप एरियर पे करेंगे, कौन से इंस्टॉलमेंट में पे करेंगे, आपको एरियर देने की प्योरिटी क्या रहेगी, सबसे पहले आप किसे देंगे और कितने लोगों का दिया जा चुका है, और एरियर फुल कब तक पेड करेंगे, हो सके नेक्स्ट बजट आने वाला हो यहाँ तक फाइनेंशियल ईयर मार्च तक क्लोज हो रहा हो, इस वजह से ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट तक ही बजट रखे होंगे, लेकिन अभी तक इन्होंने बजट का प्रावधान नहीं बताया और ना ही आगे अप्रैल में आने वाले बजट में क्या ये बजट का प्रावधान रखे हैं या नहीं रखे हैं, इसकी अभी तक कोई जानकारी नहीं। इन्हीं सब जानकारियों के साथ 20 मार्च को नेक्स्ट हियरिंग की डेट रखी गई और CJI साहब ने बिल्कुल सख्त आदेश दिया कि आप उस दिन बताएं किस प्रकार आप एरियर पेड कर रहे हैं और कहां तक आपकी कार्रवाई हो गई है और किस प्रकार आप। इस प्रकार से दोस्तों सर्कुलर नंबर 667 गायब होने के बाद अभी तक ये आपको कयास लगाए जा रहे हैं कि नहीं, जो 4 इंस्टॉलमेंट था वो शायद 1 इंस्टॉलमेंट में सर्कुलर जारी करने के बाद हो गया होगा, लेकिन सर्कुलर गायब होने के बाद फिर से वो रवैया वही रहा, यानी कि 20 मार्च के रवैये के अनुसार जब तक वो नोटिफिकेशन वापस नहीं हो जाता तब तक आप ये न माने कि आपको F1 मुफ्त में एरियर मिलेगा। यहाँ तक आप ये समझें कि अभी तक गवर्नमेंट अपने उसी रवैये के ऊपर कायम है कि 4 इंस्टॉलमेंट में ही देने के उस पे है और उसी के ऊपर लगता हुआ सुप्रीम कोर्ट का मोहर लगता हुआ 20 मार्च को नेक्स्ट हियरिंग रखी गई, जिसमें वो पूरा प्लान सुप्रीम कोर्ट के सामने रखते हैं कि किस प्रकार से आप एरियर देंगे, F1 मुफ्त देंगे या 4 हाफ ईयरली में देंगे या चुनाव तक ले जाएंगे, किस प्रकार आप खींचना चाहते हैं और क्या आप प्लान किस प्रकार से आप कर रहे हैं। तो इसी प्रकार दोस्तों आज की हियरिंग इसी प्रकार रही और जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने 20 मार्च का नेक्स्ट हियरिंग डेट रख दिया और इस प्रकार ये 4 एक्सटेंशन के बाद 5वां एक्सटेंशन अभी तक 31 मार्च तक जो सुप्रीम कोर्ट के सामने रख दिया कि 31 मार्च तक हम पूरा एरियर पे करेंगे। ओके दोस्तों धन्यवाद, आप मंडे को नेक्स्ट अपडेट के साथ अवश्य मिलेंगे। ओके जय हिंद। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, अपने दोस्तों का ध्यान रखें तथा अपना व्यक्तित्व इस प्रकार विकसित करें कि आपके साथ बच्चे बुजुर्ग महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें।